उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने इसका एक तरीका अपनाया। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझना और बहुत ध्यान से आप मेरे इस ब्लॉग को देखिए। इस नदी में पत्थर को फेंकते हैं और इसका वो अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने जो पत्थर फेंका है वो इस नदी को पार कर जाएगा। ये एक वहम है, एक धोखा है। तो इस परिवार को जब लड़की नहीं चाहिए थी तो उस परिवार ने उस नवजात बच्चे को एक कपड़े में लपेटा। कन्याओं को, लड़कियों को या तो एक अभिशाप समझा जाता है या फिर उन्हें बोझ समझा जाता है। धारा तो हमने देखी नहीं है, इसको हम पहली बार देखेंगे, लेकिन इस सतधारा जगह को दिखाने के दो मकसद थे। हमारे देश में कन्या हत्याएं प्रचलित रही हैं बहुत। इसी के चलते इस जगह पे एक वारदात हुई। केयाल पचमढ़ी में है हम इस वक्त और ये होटल हमने पचमढ़ी में लिया है। ये किस तरह का होटल है ये मैं आपको पहले दिखा देता हूं। इसका वॉशरूम वगैरह भी कुछ इस तरह से है। ये होटल आप देख चुके हैं, ये 1200 रुपए पर डे के हिसाब से हमने से लिया है और अभी फिलहाल हम यहां से पचमढ़ी से तामिया की तरफ लगभग 30 या 35 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है सतधारा और वहां से एक जगह और है देनवा नदी की, उस पर व्लॉग हम शूट करने के लिए यहां से फौरन निकल रहे हैं। यहां से उस जगह पे फौरन अब निकलने वाले हैं, बस यहां से लगभग 5 से 10 मिनट में हम निकल जाएंगे। जब पचमढ़ी से सतधारा की तरफ जाते हैं तो रास्ते में ये एक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का गेट पड़ता है। यहाँ पर आप 20 किलोमीटर की टाइगर सफारी भी कर सकते हैं। ये जगह पचमढ़ी से 6 किलोमीटर पहले पड़ेगी। इस वक्त हम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के सतधारा पॉइंट पे हैं। इधर से रास्ता पचमढ़ी की तरफ से आ रहा है और मैं इधर दिखाऊं, इधर से रास्ता तामिया की तरफ से आ रहा है और ये सीधा रास्ता आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंदर से होकर आपको सतधारा में लेके जाएगा। इनकी जो यहाँ पे एंट्री है आप पैदल भी जा सकते हैं, पैदल साइकिल से 15 रुपए है और टू व्हीलर का 50 रुपए है और हल्के मोटर वाहन यानी जीप कार जिप्सी वगैरह का 150 रुपए है और मिनी बस का 300 रुपए है और सामान बड़ी बस जो होती है 50 सीटर्स उसका 680 रुपए इसका अंदर का जो है ये टूरिस्ट का इनका जो है ये रेट पॉइंट है यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। हमने इस सतधारा का नाम सुना था, अभी हमने इसे देखा नहीं है। ये सतधारा एक पॉइंट और इसके साथ एक इसी सतधारा का दूसरा पॉइंट हम आपको दिखाएंगे जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो सतधारा तो हमने देखी नहीं है, इसको हम पहली बार देखेंगे, लेकिन इसी का जो दूसरा पॉइंट है जो पहाड़ों पे से होकर गुजरती है ये नदी, इसका दूसरा पॉइंट हमने पहले देखा हुआ है। तो इन दो पॉइंटों के साथ हम अपने इस ब्लॉग में इसका जिक्र करेंगे। इसी मेन गेट के साथ ये इनका टिकट काउंटर है। फिलहाल हमने इसकी एंट्री के लिए ये अपनी पर्ची कटवा ली है, अब इसको लेकर हम इस सतधारा के अंदर पहुंचेंगे। तो यहां से हम अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। ब्लॉग में
आप सभी का स्वागत है। जिस मेन गेट से इस फॉरेस्ट के एंट्री करा के हम अंदर हुए थे, उस मेन गेट से इस व्यू पॉइंट की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की है। ये जो आप मेरे पीछे इस नदी को देख रहे हैं, और ये पूरे नदी में बीच में ये पत्थर हैं, ये कुदरती पत्थर हैं, ये कोई बांध वगैरह नहीं है। ये नदी इधर से आती है और आगे को जाती है, और बीच में ये पूरे पत्थर हैं। इन पत्थरों में से 7 धाराएं निकली हैं, इन 7 धाराओं में से होकर ये नदी आगे को निकलती है, इसलिए इस जगह का नाम पड़ा सतधारा। 7 धाराओं के साथ ये नदी आगे को जाती है। बारिश की वजह से नदी में पानी क्लियर नहीं है। आगे जाके वहाँ पे इसका चौड़ा हिस्सा है और किनारे से रेत वगैरह बिछी हुई होती है जब पानी इसमें कम होता है, तो इसे यहाँ के लोग गरीबों का गोवा भी कहते हैं। नदी आगे जाने के बाद कई पहाड़ों के बीच में से होकर यह नदी गुजरेगी, और वहाँ का जो व्यू है वो बड़ा ही देखने लायक व्यू है, और वहाँ की एक बड़ी दर्दनाक घटना है। और वहाँ जो एक घटना घटित हुई थी, उस घटना का भी जिक्र मैं वहाँ करूँगा। यहाँ से हम सीधे उसी व्यू पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पे ये नदी पहाड़ों में से होके निकल रही है। इस सतधारा जगह को दिखाने के 2 मकसद थे। एक तो आप इस जगह को देख के इसका विकराल रूप नदी का, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नदी कितनी बड़ी है, और जब हम आपको इसका दूसरा व्यू पॉइंट से इसको दिखाएंगे तब आप इस बात का अंदाजा लगा पाओगे कि ये कितनी डेंजर पहाड़ों की खाइयों में से होकर गुजर रही है। तो इसका जो घटना है, इसकी जो घटना है जो वहाँ घटित हुई थी, तब आप इसे बेहतर ढंग से समझ पाओगे कि वो घटना कितनी जबरदस्त और खतरनाक थी। जल्दी जैसा हमने आपको मेन गेट पे बताया था कि ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एरिया है। मेन गेट से जो 1 किलोमीटर की दूरी है, इसको इन्होंने जाल से कवर्ड किया है इस जंगल को, ताकि टाइगर वगैरह का खतरा इस एरिया में ना हो, इस 1 किलोमीटर के एरिया में।
फाइनली हम देनवा नदी के उस पॉइंट पे हैं जिस पॉइंट का जिक्र हम आपसे सतधारा में कर रहे थे। तो हम उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इस पॉइंट का सबसे पहले मैं आपको ड्रोन से इसका शॉर्ट व्यू दिखाता हूं और ताकि आप इसका अंदाजा लगा पाएं इस जगह का कि ये जगह किस तरह की है, फिर मैं इस जगह के बारे में आपको बताऊंगा। आपने अभी ड्रोन से पूरी इस जगह को देखा और अभी आपने मुझे एक एक्टिविटी करते देखा होगा। मैंने यहाँ से एक पत्थर फेंका नीचे की तरफ को। अब मैं आपको बताता हूँ और इसके बारे में समझाता हूँ। बहुत ध्यान से आप मेरी बात को समझना और बहुत ध्यान से आप मेरे इस ब्लॉग को देखिए। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े थे इसके ऊपर से सड़क चल रही है जो तामिया से पचमढ़ी की तरफ को जा रही है, या यूं कहें कि पचमढ़ी से तामिया की तरफ को जा रही है ये सड़क। तो ये जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ से आपने मेरे को पत्थर फेंकते हुए देखा था, ये रेलिंग बना के रखी है लोगों के लिए। लोग यहाँ से जब पचमढ़ी जाते हैं या पचमढ़ी से आते हैं तो सड़क के किनारे से पत्थर उठाते हैं और इस नदी में पत्थर को फेंकते हैं और इसका वो अनुमान लगाते हैं कि उन्होंने जो पत्थर फेंका है वो इस नदी को पार कर जाएगा। ये एक वहम है, एक धोखा है। लगता यूं है कि पत्थर नदी के उस पार जाके गिरेगा, लेकिन जब हम पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर लास्ट मोमेंट पे हमें पता चलता है कि वो नदी से पहले ही हमारे पैरों के पास ही झाड़ियों में पत्थर गिर गया, नदी के उस पार पत्थर नहीं जाता। इस बात की आने वाले टूरिस्टों में होड़ होती है कि कौन नदी को पत्थर से पार करेगा, लेकिन अक्सर में से किसी एकाध का होता होगा, वरना अक्सर का नहीं होता है। लोग आजमाते थे, मगर ये जगह डेंजर हो गई थी काफी। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस जगह को बंद कर दिया। अब यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होती है। हमारे देश में कन्याओं को, लड़कियों को या तो एक अभिशाप समझा जाता है या फिर उन्हें बोझ समझा जाता है। यह हमारे देश में पहले से इसकी परंपरा रही है। हमारे देश में कन्या हत्याएं प्रचलित रही हैं बहुत पहले से, और आज भी इस एडवांस युग में, एडवांस दौर में हम देखते हैं कि कहीं लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं और जिस तरह से उसका मिसयूज होता है आज के दौर में भी। तो जगह जगह आपने देखा होगा कि यहाँ पे लिंग का परीक्षण मना है, ये वो सब गवर्नमेंट ने जिस तरह से पाबंदी लगा रखी है। तो ये प्रचलित पहले से था हमारे देश में और आज भी कम नहीं है। आज भी फर्क समझा जाता है हमारे देश के अंदर लड़के में और लड़कियों में। इसी के चलते इस जगह पे एक वारदात हुई। एक नवजात शिशु, वो भी लड़की थी, उसको लेकर बिल्कुल ठीक इसी पैटर्न पे कि हमारे देश में लड़कियों को बोझ समझा जाता है या फिर अभिशाप समझा जाता है, इसी घटना के तरफ हमारा इशारा है और इस जगह का उस घटना से कुछ लिंक है। तो हम इस जगह को यहाँ से आपको उस हादसे के बारे में बता रहे हैं। हादसा क्या, बल्कि एक ट्रिप प्लानिंग, एक कांड था जो यहाँ से हुआ था किसी जमाने में, वो मैं आपको बताता हूँ। यहीं पे आसपास में, ये तो हमें चिन्हित नहीं है, लेकिन इसी इलाके में आसपास में किसी गांव में एक परिवार के अंदर एक बच्ची ने जन्म लिया और वो लड़की थी और लगभग 7 दिन की या 8 दिन का एक नवजात बच्चा था। उन्हें लड़की नहीं चाहिए थी, जैसे आज हमारे समाज में पहले भी था और आज भी है, उन्हें बेटी नहीं चाहिए थी। तो उन्होंने इसका एक तरीका अपनाया कि जैसे हमारे यहाँ हम पहले कहानियों में सुनते थे कि कहीं कूड़ेदान में डाल के चले गए, कोई मंदिर के बाहर रख के लड़की को चले गए, क्योंकि उन्हें नहीं चाहिए थी। तो इस परिवार को
जब लड़की नहीं चाहिए थी तो उस परिवार ने उस नवजात बच्चे को एक कपड़े में लपेटा और कपड़े में लपेट के बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे यहाँ पत्थर फेंकने की होड़ लगी होती है उस कपड़े में लपेट के उस बच्ची को इसी जगह से यहाँ से फेंका गया। और वो बच्ची यहाँ से जिस तरह से वो पत्थर नहीं जाता उस नदी के बाहर एक छोटा सा, तो वो बच्ची कैसे चली जाएगी। तो जिस तरह से लोगों को ये वहम होता है कि हम पत्थर उस पार फेंक देंगे, उन्हें भी लगा होगा कि बच्ची यहाँ से नीचे गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बच्ची को जैसे ही यहाँ से फेंका गया और बच्ची नीचे कहीं झाड़ी में जाके उस कपड़े के साथ लटक गई। ये जो आप नदी मेरे पीछे देख रहे हैं ना, इसी देनवा नदी का ये वाकया है। और ये वाकया लगभग कुछ साल पहले का है, कोई इसी जगह का जो यहाँ पे हुआ था। ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये देनवा नदी, इस नदी के किनारे से पगडंडिया सी बनी हुई है। आदिवासी अक्सर शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करते हैं और वो किनारे किनारे शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं। तो कुछ आदिवासी इस नदी के किनारे से जा रहे थे और उन्हें नीचे से बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उनको लगा कि यार इस बियाबान जंगल में बच्चे की आवाज कहाँ से आई, तो वो आवाज की तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक कपड़ा लटक रहा है और उसमें से आवाज आ रही है। वो ऊपर चढ़े और वहां से उस पोटली को उन्होंने उतारा, तब पता चला कि एक बच्ची है। और ये मामला फिर यहाँ के लोकल थाने में पहुंचा और इसको एक नेशनल मीडिया ने इस पूरे कांड को, इस किस्से को कवर किया था। उसके बाद उस बच्चे को एक एनजीओ को दे दिया गया। बाद में हमें यह पता चला था कि दिल्ली, गालिबन दिल्ली या किसी एक बड़े शहर की कोई दंपति थी, उन्होंने उस बच्ची को फिर एडॉप्ट किया। तो हमारे देश में इस तरह के वारदात, लेकिन ये जो वारदात था आप समझिए कि कोई कूड़ेदान में बच्चे को डाल के चला गया, कोई मंदिर के बाहर छोड़ के चला गया, ये हालांकि ये भी एक अपराध है, लेकिन इतना भयंकर, ये जो जगह हमने आपको दिखाई थी, जो जगह आपने देखी है, इतनी भयंकर जगह, दिल दहला देने वाला ये दर्दनाक वाकया इसी देनवा नदी का, इस लगभग इसी के आसपास का है। हमारा मकसद आपको ये बताना था कि समाज में आज भी हमारे यहाँ पे इस तरह के वाकयात लड़कियों को लेके भेदभाव के मिलते हैं। तो अब मिलेंगे आपसे अपने फिर किसी एक नए व्लॉग में।